न जातु कामहा कामा नाम उपभोगेन साम्यति। ये बात बैठा ली भाई, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती है, फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि दूसरा नहीं, विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इसे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे, ये ना भयावह नजर आएगी और ना एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं, ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। नचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम सक्यम कस्मात्, भोगों के भोगने से विषयाशक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है, अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ये वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं, जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो तो विषयों में ही तो भटक रहे हो, केवल अभी ये लगता है आपको ये नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं, इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो, ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथिन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले हैं, इसलिए सहना पड़ेगा, और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी, हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उसे क्या होगा, वहां कोई फर्क पड़ने वाला है, कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या रस्सी। एक जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया, कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है, जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं।